দেখেছি শারদ রাতে তোমায়, দেখেছি মাধবী রাতে তোমায়, দেখেছি রিদিমাঝা রে তোমায়, দেখেছি রিদিমাঝা রে ও গো বিদেশিনী। 17 बरस की उम्र में रविंद्रो ने पहली विदेश यात्रा की। ये गीत शायद उन्होंने वहीं लिखा होगा। वहाँ लंदन में वो डॉक्टर स्कॉट के परिवार के साथ रहे। उस परिवार में 3 लड़कियाँ थीं, जिनमें से एक रविंद्र को आयरिश और इंग्लिश गाने सिखाती और गोरे रीति रिवाज भी। मैं नौकर शासन में जिया था, मेरे मन को जकड़ लिया था नौकर शाम ने लक्ष्मण रेखा से, निकलने पर चेतावनी दी थी, घेरे से बाहर निकलते ही बड़ी मुसीबत होगी। मैं मन ही मन उस विपत्ति से डरता था। स्कूल को विद्या मंदिर क्यों कहते हैं? ये सवाल रविंद्र के बाल मन को बार बार कुरेदता। परिवार परंपरा के तहत छोटे बच्चों को पढ़ाने मास्टर घर आया करते थे, मगर रविंद्र स्कूल जाने की जिद किया करते, जिसके चलते मास्टर उन्हें खूब पीटा करते। फिर जब स्कूल जाने लगे तो एक के बाद एक कई स्कूल बदले, नतीजतन उनका नाम पड़ गया स्कूल पालानो छेले। स्कूल पालानो छेले के स्कूल से पालाने का सिलसिला विदेशों में भी बदस्तूर जारी रहा। इंग्लैंड बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए, अधूरी छोड़ आए। लॉ करने गए तो बीच में ही वापस लौट आए। पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, मगर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं। ये कैफियत मुसलसल उन्हें परेशान करती। रविंद्र की जिंदगी में एक बेहद दिलचस्प मोड़ आया, जो उनकी जहनी कैफियत और उलझनों को काफी हद तक सुलझाने वाला था। एक दिन पिता ने पूछा, तुम्ही के आमर साथे हिमालय जाबे? तुम क्या मेरे साथ हिमालय जाओगे? यूं तो रविंद्र ने 5 महाद्वीपों के 40 से ज्यादा देशों में सफर किया, मगर ये सफर उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला था। इस सफर में पहला पड़ाव वो था जिसे आगे चल के सारी दुनिया शांति निकेतन के नाम से जानने वाली थी। फिर उन्होंने स्वर्ण मंदिर का रुख किया। बाबा गुरु नानक ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला। फिर रविंद्र हिमालय की गोद में जा पहुंचे। प्रकृति के बीच उन्होंने खुद को अपने बहुत करीब पाया। सफर में पिता रविंद्र को अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, धर्म, आध्यात्म और खगोल विज्ञान की शिक्षा देते। हिमालय के आगोश में बिताए 4 महीनों ने रविंद्र की सोच और संस्कार पर गहरा असर डाला। स्वाधीनता और अनुशासन के अद्भुत संगम में पहाड़ों, झरनों, पेड़ों, हवाओं और प्रकृति की एक एक शय के बीच सीखना रविंद्र के लिए बहुत मजेदार रहा। उन्होंने संस्कृत में पूरी रामायण रट डाली। प्रकृति प्रेम तो उनकी रग रग में था ही, हिमालय ने उसे और तराशा। घर लौटने के बाद वो सबको हिमालय के किस्से और संस्कृत में रामायण सुनाते। अब रविंद्र स्कूल पालानो छेले नहीं रह गए थे, बल्कि अब हर छोटा बड़ा उन्हें इज्जत की नजरों से देखता। और फिर क्या हुआ? रविंद्र का जादुई सफर शुरू हुआ। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया उनके लेखन, गायन, गीत, संगीत, कविताओं, उपन्यासों, चित्रकला, कथाओं, अभिनय और शिक्षा शास्त्र की दीवानी हो उठी। गुलाम हिंदुस्तान के गैर सियासी सितारे की दुनिया भर में धूम मच गई। ईरान, इराक, इटली, जापान, चीन, ग्रीस, पेरिस, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस और बहुत से देशों में सम्मान समारोह आयोजित किए गए। उन्हें व्याख्यान के लिए बुलाया जाता और पलके बिछाए उनकी आमद का इंतजार किया जाता। दुनिया भर को कदम से नाप लेने वाले रविंद्र को जाने कितने स्कूल बदलने के बाद, दुनिया जहान की तालीम हासिल करने के बाद, पेड़ के नीचे बैठ के प्रकृति में रच बस के सीखना सबसे अफजल, सबसे बेहतर लगा। पढ़ने को कुछ नहीं, पर सीखने को संसार सारा। नाव की लहरों से, पेड़ों की टहनियों पे,
धूप और छांव में 5 छात्रों और 5 शिक्षकों के साथ शुरू हुए ब्रह्मचर्य आश्रम यानी शांति निकेतन में प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ गुरु माना गया। पेड़ों के नीचे कक्षाएं लगती, सारे छात्र सुबह 4 बजे उठा करते, नहा धोकर राग भोपाली गाते और प्रभात फेरी निकालते। 7 बजे से कसरत और योग के बाद कक्षाएं शुरू हो जाती थी। 10 बजे भोजन और आराम, दोपहर के बाद फिर कक्षाएं, शाम को खेल और बागवानी। इसके अलावा बंगाली, अंग्रेजी, इतिहास, गणित, संस्कृत, भूगोल, विज्ञान, चित्रकला और संगीत, सभी विषय। लेकिन कोई भी विषय अनिवार्य कंपल्सरी नहीं था। ये प्रयोग इतना कामयाब रहा कि शांति निकेतन अब विश्व भारती हो गया था। विश्व भारती के द्वार अब सारे संसार के लिए खुल चुके थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, नोबेल विजेता सर अमर्त्य सेन, जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, और ऑस्कर विजेता सत्यजीत राय, और ऐसे कई असंख्य रत्नों ने गुरुदेव के लगाए पेड़ के नीचे बैठकर अपने हुनर को परवाज दी। आज भी 1 से 12 तक की कक्षाएं पाठा भुवन यानी पेड़ के नीचे प्रकृति के बीच रहकर ही लगती हैं। धन्यवाद।